इश्क किसी से होता नहीं, इश्क किसी किसी में होता है। बहुत सारे बदलावों के बाद भी ये भाव नहीं बदलता, बल्कि यही भाव हमारे अंदर और हमारे आसपास हो रहे बदलावों का साक्षी बनता है, और उनमें से ही कुछ बदलावों को देखकर सरप्राइज भी होता है। 14 से 25 साल उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहां ये भाव इश्क प्रोग्रेसिव होता जाता है, और कई तरह के उन्माद के साथ हमें संवेदनशील बनाता है, या यूं कहें कि मैच्योर बनाता है। इश्क यही एक ऐसा भाव है जो नाम और हमारी पहचान से परे होता है। ये जहां होता है, जिसमें होता है, तो बस होता है। ज्यों का त्यों, नेकेड, बेहद खूबसूरत, अजंता और खजुराहो की प्रतिमाओं जैसा, कामदेव की सम्मोहन शक्ति जैसा। शक्ति प्रखर, तेज, पवित्र प्रेम की देवी। सौंदर्य को सही मायने में समझने की दृष्टि इसी शक्ति से मिलती है, इसीलिए इश्क आसानी से सौंदर्य को किसी भी चेहरे में ढूंढ लेता है। गुलजार कहाँ से लाओगे, कुछ किरदारों के इश्क की कहानी है जो अपने नाम और पहचान से परे है। इसीलिए इस कहानी में सारे किरदार सिर्फ इंसान हैं जो अपनी खूबियों और खामियों के साथ इश्क के जरिए तलाश रहे हैं अपना अपना गुलजार। एक आँच सुलगती है जब आह भड़कती है, एक आँच सुलगती है जब आह भड़कती है, टूटता जब इश्क है रूह तड़पती है। मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे, मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे, मगर तमाशे से तुम क्या पाओगे, फिर सोचो जरा गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे। एक शोर उसके अंदर था, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, चित्कारता हुआ। और वही शोर समंदर में लहराता हुआ, आवेश में चट्टानों से टकराता हुआ। आधी रात गुजर चुकी थी, सुबह होने को थी, लेकिन दीपम को शायद सुबह का इंतजार नहीं था। वो गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन गहरी उस नींद में भी एक दुनिया जाग रही थी। समंदर आम लोगों की आम जिंदगी की दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन नीति समंदर की सुबह की अंगड़ाई की साक्षी बनी हुई थी।
के नमकीन पानी में खुद को पूरी तरह भिगोकर उसकी लहरों से खेल रही थी। और फिर अचानक लहरों के साथ खेलती हुई किनारे आकर बेसुध रेत में लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर ने बेजान खूबसूरत किसी प्रतिमा को किनारे धकेल दिया हो। नीति की आंखें आसमान में टिकी हुई थी, मानो कुछ सुनाई पड़ रहा हो और मन की आंखों से कुछ दिखाई भी दे रहा। कुछ ही पल बाद एक फ्लाइट गुजरी। नीति के बदन में एक बिजली की लहर दौड़ गई और वो भागती हुई समंदर की आंखों से ओझल हो गई। नीति अपने फ्लैट के लैविश बाथरूम के आईने में अपने खूबसूरत बदन को निहारते हुए किसी के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उस स्पर्श की अनुभूति उसे बेहद खुशी दे रही है। आज दिन की शुरुआत ही सबसे खूबसूरत कल्पना थी जो शायद हकीकत में बदलने वाली थी। डोरबेल की आवाज से नीति हड़बड़ा गई, अपने आप को एक सॉफ्ट टॉवल में लपेटा और फिर डोर लेंस में देखने लगी। अचानक उसके हसीन चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने दरवाजा खोला, फिर दौड़कर कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आने वाला शख्स औरिंदम था। पायलट का लिबास उस पर खूब जच रहा था। उसने नीति को बंद कमरे का दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन खुला नहीं। इसी बीच उसकी नजर वहां रखे पियानो पर पड़ी। वो उसे बजाने की कोशिश करने लगा। फिर उसे नीति की सुरीली आवाज भी सुनाई दी। कुछ पल बाद उसी सॉफ्ट टॉवल में लिपटी नीति औरिंदम के कंधे पर अपने दोनों हाथों की उंगलियों से गुदगुदी करते एक गीत गुनगुनाने लगी। जीने का ये
इन रोमांटिक लम्हों की अंगड़ाई ने दोनों को एक कर दिया। सॉफ्ट टॉवल जिससे उसने सिर्फ अपने बदन को ढक रखा था, अब वही टॉवल दोनों के लिए लिबास था। इश्क का स्वभाव नग्न होता है, लेकिन लाज का स्वभाव पर्दा। इश्क जरा बेखौफ था, लेकिन लाज थोड़ी सी सहमी हुई। क्योंकि कोई आने को था, नीति ने अरवी को फौरन ही घर से जाने को कहा। उसने दोबारा पायलट का लिबास पहनने में उसकी मदद की। जाते जाते पियानो के कुछ कीज को अरवी ने फिर से छेड़ दिया और चला गया। नीति पियानो की उस कंपन में अब अकेली कांप रही थी। और फिर शाम हो गई। उस शाम नीति ने अपने टेरेस से एक फ्लाइट को फ्लाइंग किस देते हुए विदा किया। चेहरे पर एक लंबे इंतजार की गहरी उदासी और दर्द की साफ झलकियां दिख रही थी। इस दर्द में इश्क जिंदा था। इसका विटनेस उसकी वो आंखें थी जिन्होंने उन सारी उंगलियों को लगभग भिगो दिया था जो कुछ देर पहले अरवी के कंधों को गुदगुदा रही थी। बदहवास। पीछ पर दौड़ता हुआ दीपम ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ते दौड़ते ही अपनी जिंदगी को हार जाना चाहता था। क्यों, ये शायद ठीक तरह वो खुद भी नहीं जानता था। हांफता हुआ और लगभग अटकती सांसों को ढोता हुआ, एक बोझ की तरह वो नीति के बिल्कुल पास से गुजरा। एक बार नहीं, कई बार। नीति जो अपने कानों में एयरपॉड्स लगाए झूम रही थी, अचानक ही दीपम को अपने बगल से गुजरता हुआ देख उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसने दीपम को अनदेखा करते हुए देखने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ उसकी सांसों की बौखलाई शोर को ही सुन पाई। फिर कुछ सोचते हुए वो अपनी धुन में खो गई। कुछ दूर तक दीपम टूटती सांसों के जरिए खुद को संभालते हुए दौड़ता रहा। पता नहीं वहां वैसे ही कब तक पड़ा रहता अगर समंदर की लहरें उसके ऊपर से होकर ना गुजरती। आती जाती लहरों को और से देखता रहा। ऐसा लग रहा था शायद मौत से ही जिंदगी में वो लौट कर आया था। आसपास कोई नहीं था। उठ के पीछे मुड़ा और धीमे कदमों से चल पड़ा। नीति छत पर थी, आसमान को ताक रही थी। एक फ्लाइट गुजरी, वो शांत रही, बस आसमान को घूरती रही। फिर एक आवाज सुनाई पड़ी, थोड़ी तीखी आवाज, अधिकार वाली, डोमिनेट करने वाली। लेकिन वो वहीं खड़ी रही। कुछ पल बाद ही कोई आया और कहने लगा, क्या है ये? मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं घर में होता हूँ तो तुम ज़्यादातर टाइम अपना टेरेस पर, बाहर कॉफ़ी हाउस में, गार्डन में या फिर बीच पर स्पेंड करती हो। क्या मेरा साथ अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नीति मुड़कर उसे देखने लगी, जैसे वो स्कैन कर रही हो। आंखों में एक साथ कई चुपचाप सवाल थे जो शोर मचा रहे थे। ये औरिंदम नहीं था,
उसके अरवी को वापस आने में अभी 3 महीने और लगने वाले थे। ये विश्वा है, उसका बॉयफ्रेंड, पिछले 1 साल से साथ में ही रह रहा है। नीति ने कहा, तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें अपना स्पेस चाहिए, सो मैं दे रही हूँ जितना भी पॉसिबल है। ठीक है, नीचे आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वो चला गया पर नीति वहीं खड़ी रही, जैसे पहले खड़ी थी ठीक वैसे ही, और आसमान ताकने लगी। तभी एक फ्लाइट और गुजरी जो नीति के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ गई। ये इश्क की बेमानी है, हो के भी किसी का ना होना, या रिश्ते की मनमानी है, आते ही किसी को खो देना। संभले हैं बहुत पर संभला नहीं, दिल धोखे से यारी कर बैठा, रब जाने कब दे हारा मैं, दुश्मन को खुदा Thank you.